हाँ, सबसे पहले गणेश और मैं उस ज़माने के दोस्त हैं जब हम लोग बाइक पे स्ट्रगल करते थे। गणेश मेरी बाइक पे पीछे बैठा रहता था और हम लोग प्रोड्यूसर टू प्रोड्यूसर घूमते थे। फिर गणेश ने बाद में फिर गणेश को सक्सेस मिली, मुझे भगवान ने दी, और उसके बाद हम लोगों ने बहुत गाने किए। और मुझे पता था गणेश के अंदर एक बहुत अच्छा डायरेक्टर भी है छुपा हुआ। ये कहानी मैंने सुना था भिखारी जो फिल्म है, और मुझे पता है कि ये बहुत अच्छी स्क्रिप्ट है जो गणेश डायरेक्ट करने जा रहे हैं। और इनके प्रोड्यूसर भी मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं पुराने, वो भी फिल्म इंडस्ट्री से थे। सो अब बड़ा अच्छा लग रहा है कि इतने अच्छे मोमेंट पे, और अमित जी आए, अमित जी ने मुहूर्त का उद्घाटन किया, और हम लोग, चूँकि मैं, गणेश मेरा गुरु भी है, मैंने डांस जो सीखा है, मेरे सारे डांस के जो अंदाज हैं वो गणेश के ही हैं। तो मेरा गणेश गुरु भी है, मेरा दोस्त भी है, मेरे स्ट्रगल का साथी भी है। तो मुझे गणेश की खुशी में हमेशा बहुत खुशी होती है। ये फिल्म गणेश ने मुझे ऑफ़र भी की है, मैं गणेश से भी पूछूंगा, क्योंकि उसके बाद मैं आउटडोर चला गया था। गणेश ने बोला था एक ये कहानी ज़रूर सुनना, और मैं चाहता हूँ तुम करो। शायद ये कहानी, शायद पता नहीं, ये वही है, तमिल की रिमेक है, तमिल फिल्म बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर हुई है, तो शायद ये वही फिल्म है, वो देखता हूँ। बट ये थॉट बहुत अच्छा है, और अगर ये वही कहानी है तो ये कमाल की कहानी है। और मराठी सिनेमा एकदम ऊँचाई पर है, मैंने भी एक मराठी फिल्म मध्यम वर्ग की थी। मराठी सिनेमा अपनी ऊंचाई पे है, सैराट जैसी फिल्म और लय भारी और न जाने नट सम्राट कितनी फिल्में आई, और ये फिल्म भी उतनी काबिल हो, यही भगवान से उम्मीद है। क्योंकि गणेश का अच्छा होगा, मुझे बहुत अच्छा, और गणेश चाहता है, और गणेश पतला भी हो गया है, गणेश ने 80 किलो कम भी किया है। मराठी फिल्म मैंने एक की थी मध्यम वर्ग, और मैं करूँगा मराठी, मैं तमिल करता हूँ, तेलुगू करता हूँ, कन्नड़ा करता हूँ, गुजराती भी की, मुझे भाषा का बहुत शौक है, और 400 फिल्म अभी तक हो गई है, तो मराठी भी डेफिनेटली कोई स्क्रिप्ट आएगी। शायद गणेश की ये फिल्म, अगर आज ही बात करूँगा, अच्छी लगी कहानी, तो मैं डेफिनेटली गणेश के साथ हमेशा काम करना चाहूँगा। दिलीप साहब अच्छे रहेंगे, तंदुरुस्त रहेंगे, क्योंकि आज सुबह उनका ट्वीट आया कि ही इज़ फाइन एंड हेल्दी, और रूटीन चेकअप के लिए गए थे, सो ही इज़ डेफिनेटली ऑल राइट। और सायरा बाजी से भी बात हुई, तो नथिंग टू वारी, ही इज़ परफेक्टली ऑल राइट। बहुत अच्छा, मुझे हमेशा 10 साल से अवार्ड मिलते रहे, और अभी भी मिल रहे हैं, इतनी कृपा है भगवान की कि लोग प्यार करते हैं और अलग अलग रूप में मुझे देखना चाहते हैं, और हमेशा मैं नए नए रूप में आता रहता हूँ, और देश मुझे बहुत प्यार करता है, इसीलिए थैंक यू।